हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए आज जो हमने स्मूदी बनाई है ना, तो अगर आप लोग को मेलाज़मा पिगमेंटेशन से परेशान है या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी ये एक स्मूदी है। चलिए देखते हैं कि इसे हमने कैसे बनाया है। तो ये बनाना बहुत आसान है। तो यहाँ पे मैंने एक जार लिया हुआ है और उस पर मैं डाल रही हूँ 2 चीकू। तो चीकू छील लिया है मैंने, पहले वॉश कर लिया था फिर छील लिया है उसको। अब उसको जार में डाल देंगे। चीकू की जगह अगर आप लोगों को कोई दूसरा फ्रूट जो ज़्यादा पसंद है, जैसे बनाना हो गया, तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर मैंने चिया सीड डाल दिया है। उसके बाद फिर हम इसमें 1 चम्मच जो है वो फ्लैक्स सीड डालेंगे। तो फ्लैक्स सीड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रोस्ट करके और उसको ददरा कूट के रखा हुआ है खाने के बाद ऐसे भी उसे लेने के लिए। तो 1 चम्मच मैंने वो डाल दिया है। तो इसके बाद फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो ड्राई फ्रूट्स में मैंने यहाँ पे 5-6 बादाम लिए हुए हैं, यहाँ पे 5-6 अखरोट के टुकड़े हैं, थोड़े से खजूर के टुकड़े हैं, इन्हें ओवरनाइट हमने सोक कर लिया था। अंजीर भी इसमें सोक कीजिएगा, बहुत अच्छा होता है। और अंजीर जो है ना वो सोक करेंगे तो ही उसमें पिसेगा, नहीं तो अच्छे से पिसता नहीं है वो। तो इसको डाल दीजिए। अगर हाँ, बादाम के छिलके निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, मैं तो ऐसे ही पीस लेती हूँ। तो इसके बाद हम इसमें प्रोटीन पाउडर डाल देंगे। तो प्रोटीन पाउडर का जो स्कूप रहता है वो थोड़ा बड़ा रहता है। मैं चम्मच यहाँ पे छोटी यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं 3 चम्मच यहाँ पे प्रोटीन पाउडर डाल रही हूँ। तो प्रोटीन पाउडर डाल लीजिए। जितना हमारी बॉडी को ना इनटेक करना होता है प्रोटीन, हम उतना लेते नहीं हैं, इसलिए थोड़ा अगर हम ये पाउडर फॉर्म में प्रोटीन ले रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद हमको इसके पीसना है। तो यहाँ पर हम इसमें दूध डाल रहे हैं, तो मिल्क कभी डाल देंगे हम, तो आधी ग्लास से ज़्यादा मैं इसमें दूध डाल दे रही हूँ। और इसको हम बहुत स्मूथ पीस लेंगे। और उसके बाद अगर बहुत ज़्यादा थिक लग रहा हो तो थोड़ा सा दूध और मिला लीजिएगा और अपने हिसाब से आप थिकनेस जो है वो एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें कोई स्वीट वगैरह कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रूट से जो इसकी स्वीटनेस रहती है वो बहुत अच्छी आ जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्मूदी जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसके आपको फ़ायदे बताऊँ ना, पहले लेना कैसे है। तो इसे खाली पेट लेना है, सुबह लेना है खाली पेट, रोज़ लीजिए और विद इन 10 डेज़ आपको हेयर फॉल में इसका असर दिखने लग जाएगा। 1 महीने में आपको इसमें मेलाज़मा में फ़र्क दिखने लग जाएगा। ज़रूरी ये भी है कि इसके साथ आप एक्सरसाइज भी कीजिए। हमने इसमें जो फ्लैक्स सीड डाला है वो फाइबर फूड है, वो हमारे स्किन केयर में हमको फ़ायदा पहुंचाता है, हमारे वेट लॉस में फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा जो हम ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमें रिंकल फ्री स्किन देता है और हमारी जो हार्ट है उसको हेल्दी बनाता है, तो हमारी बोन्स को हेल्दी बनाता है। तो बहुत ओवरऑल ये जो ड्रिंक है ना, ये बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। तो इसे ज़रूर लीजिए और पी के देखिए, तो आपको इसका बेनिफिट पता चलेगा। तो आपको ये हमारी स्मूदी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।